वीडियो में डिस्कस करेंगे सिफर्ड लेमा। जब गिवेन द कॉस्ट फंक्शन दिया रहे, डैट इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया रहे, तो कैसे हम डिराइव करेंगे कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन फॉर लेबर एंड कैपिटल। तो अगर टोटल जो कॉस्ट फंक्शन, विच इज द फंक्शन ऑफ डब्ल्यू क्यूब आर, जो ये दिया रहेगा, तो इसको जस्ट टोटल कॉस्ट फंक्शन का पार्शियली डेरिविटिव लेकर अगर हम W के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन फॉर लेबर देगा, और अगर हम R के रिस्पेक्ट में लेंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन का पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू R, तो ये देगा कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन फॉर कैपिटल। तो आपको एक दिया गया है कॉस्ट फंक्शन, अगर हम इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे W के रिस्पेक्ट में, एट द सेम टाइम R इज द हेल्ड कॉन्स्टेंट, तो क्यूब स्क्वायर, और अंदर यहाँ क्या होगा 7321 डब्ल्यू स्क्वायर, और ये जीरो हो जाएगा एट द सेम टाइम आर इज द हेल्ड कॉन्स्टेंट। तो ये क्या हम लिख सकते हैं 21 क्यूब स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। तो ये क्या है कंडीशनल, ठीक है, ये कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन फॉर लेबर ये निकाला। उसके बाद इसी चीज का हम ये टोटल कॉस्ट फंक्शन का पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन फॉर कैपिटल। तो एट द माने जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे टोटल कॉस्ट फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू आर, एट द सेम टाइम डब्ल्यू इज द हेल्ड कॉन्स्टेंट, तो क्यूब स्क्वायर, अब ये जीरो हो जाएगा, ये 5 3 15 आर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं 15 क्यूब स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये आपका कैपिटल का कंडीशनल फैक्टर डिमांड फॉर कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन फॉर कैपिटल, विच इज द फंक्शन ऑफ यहाँ पर दिया है क्यूब डब्ल्यू और ये भी है क्यूब आर का, ठीक है। तो यही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टिल एंड जय हिंद।